हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम अमन बराबरी के साथ में खुश आमदीद, मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, जिस तरीके से अफगानिस्तान की जो उनकी एक एजेंसी है, सीक्रेट एजेंसी है एनडीएस और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ, ये एक नेक्सस है, एक गठजोड़ है काबुल और नई दिल्ली का, जो कि पाकिस्तान में इस वक्त बदमनी फैला रहा है। पाकिस्तान में बिलखसूस बलूचिस्तान के हवाले से हम बात करें, जहाँ पे डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है, मजमूम कोशिश जो है वो जारी है। और सिर्फ अगर इस साल की बात करें, 2017 की बात करें, तो 2017 में जो बलूचिस्तान में बड़े हमले हुए, जो खुदकुश धमाके हुए, 5 हुए, और इसमें मस्तूम में हुआ, गुलिस्तान रोड क्वेटा में हुआ, चमन में किला अब्दुल्ला में हुआ, एयरपोर्ट रोड क्वेटा में हुआ, और ये तो 9 नवंबर का, इसी नवंबर 2017 का है। तो इस तरह के वाकयात में अब तक 114 हलाकतें हो चुकी हैं और 66 के करीब अफराद जो हैं इसमें जख्मी हुए, और इन हलाकतों में जाहिर है कि सिविलियन के साथ एक बड़ी तादाद हमारे फोर्सेस के जवानों की भी है। तो ये 5 बड़े वाकयात और एक पीछे पूरी हिस्ट्री है, जिस तरीके से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है, और नेक्सस इस वक्त काबुल और अफगानिस्तान, काबुल और नई दिल्ली का जो सामने है, इसकी बेखनी के लिए जाहिर है कि ऑपरेशन ज़र्ब अज़ भी हुआ और उसके बाद ऑपरेशन रद्दुल फसाद भी जारी है। और अच्छी बात यह है कि इसमें हमारे तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें हुकूमत पाकिस्तान, इसमें अस्करी कुव्वतें और बिलखसूस जो बलूचिस्तान के अवाम हैं, वो सब के सब एक ही पेज पर हैं, सेम पेज पर हैं, और चाहते हैं कि इस नासूर का कलाकमा किया जा सके। आज के प्रोग्राम में हम इसी नेक्सस के हवाले से बात करना चाहेंगे। अपना गेस्ट पैनल जो है वो आपके साथ बताता चलूं, डॉक्टर हुमा बकाई सीनियर तज्जियाकार हमें ज्वाइन करेंगी, इसके अलावा सीनियर तज्जियाकार रुस्तम खान मेहमंद जो है अफगान उमूर के माहिर हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे आज के प्रोग्राम में। आज ही के प्रोग्राम में हम सरफराज भुट्टी साहब से भी बात करेंगे कि ये असल मसला क्या है बलूचिस्तान में, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से सूबाई वजीर दाखला, और जाहिर है कि सूबाई वजीर दाखला होते हुए बहुत सारी चीजों को वो हम लोगों से बहुत करीब से और बेहतर अंदाज में जान रहे हैं। इसके अलावा जनरल मोइनुद्दीन हैदर रिटायर्ड भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे, और हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार डॉक्टर हुमा बकाई ने। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आज न्यूज़ के लिए वक्त निकालने का, प्रोग्राम अमन बराबरी के लिए वक्त निकालने का। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त अफगान भारत की जाहिर है कि इन दोनों ममालिक की जो कुर्बतें हैं वो अमरीका के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज इस वक्त देखी जा रही हैं, और अमरीका का बहुत इसरार है, बहुत उसकी कोशिश है कि भारत जो है वो अफगानिस्तान में मौशी किरदार भी अदा करे। तो आप क्या समझती हैं, कितनी बड़ी साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ? देखिए, भारत वहां पर माशी किरदार अदा करे, अफगानिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करे, इस हवाले से ना तो हमें कोई तहफ़ुज़ात है और ना हमें कोई एतराज है। हमें एतराज इस बात पर है कि भारत अफगानिस्तान की जमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना करे, ये हमारा बेसिक ट्रस्ट है। और अगर ये हमारी सेंसिटिविटी एड्रेस हो जाती है तो हमें भारत के माशी किरदार में अफगानिस्तान में कोई हमें उसके हवाले से एतराज नहीं है। अफगानिस्तान एक इंडिपेंडेंट मुल्क है और वो अपनी फॉरेन पॉलिसी बना सकता है, लेकिन अगर अफगान हुकूमत होस्टेज है इंडियन एजेंडे के जो वो पाकिस्तान के खिलाफ चलाता है, और वहां वो अपनी सरजमी इस्तेमाल होने देती है, और हमें बार दफा ऐसा लगता है कि अमरीका भी इस हवाले से चश्मपोशी करता है, क्योंकि उसके पास टेंजिबल एविडेंस उसको प्रोवाइड की गई है, और उनके अपने बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने अफगानिस्तान में सर्व किया है, वो ये बात बोलते हैं कि इंडिया का नेगेटिव किरदार है अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाले से। तो अगर ये इशू एड्रेस हो जाए, ये सेंसिटिविटी हमें एड्रेस हो जाए,
तो भारत वहाँ जा सकता है, हमें समझ नहीं सकते। ठीक है, अच्छा जब ये कहा जाता है कि अमेरिका जो है वो भारत को कायल नहीं कर सका कि भारत जो है अपनी फौजें अफगानिस्तान में भेजे, ऐसे में पाकिस्तान को एलिमिनेट करके, साइडलाइन करके और फिर कयाम अमन की बात करना अफगानिस्तान में, कोई कोई वर्केबल सोल्यूशन है क्या? आप समझती हैं ऐसा मुमकिन है? देखिए, ये हर दो साल बाद अमेरिकन लीडरशिप में जो इंडियन लॉबी है वो उसको कन्विंस करती है। मैं कहती हूँ अमरीकियों को बुखार उठता है कि वो ये कहता है कि डी हाइसनेट कर दें और पाकिस्तान को अफगानिस्तान की सिचुएशन से सब्ट्रैक्ट कर दें, और फिर जब वो डेलिब्रेशन करते हैं और वो उन लोगों से ब्रीफिंग देते हैं जो वाकई अफगानिस्तान की हकायक से वाकिफ हैं, तो वो वापस उस सूरत हाल पे आ जाते हैं कि जी पाकिस्तान के बगैर ऑन बोर्ड लिए किसी अमन का हसूल जो है वो अफगानिस्तान में पॉसिबल नहीं है। अभी जो लश्कर ए तैयबा और हकीकी नेटवर्क के खिलाफ एक्शन को डीलिंक किया गया है, ये कांग्रेस ने किया है ना ये डीलिंक, और ये डीलिंकिंग इसलिए की गई है क्योंकि उन्हें पता है कि इस तरह जब वो क्लब करते हैं अफगानिस्तान से अपने रिलेशनशिप पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन से, तो मसाइल और जो कॉम्प्लेक्स का मैट्रिक्स है वो मजीद कॉम्प्लिकेट होता है। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, फिर आपसे इजाजत चाहूंगी। देखिए, जब हम कहते हैं ना कि ये न्यू दिल्ली और वॉशिंगटन का गठजोड़ है जो प्ले आउट हो रहा है अफगानिस्तान में, तो हमें इस बात का भी इदराक करना चाहिए कि ये दरहकीकत पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, ये दरहकीकत चाइना के खिलाफ है। और चाइना की जो माशी फुटप्रिंट इन द शेप ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आप देख रहे हैं खत्ते में, उसके पर खिलाफ है, क्योंकि इंडिया वो वाहिद मुल्क है इस पूरे साउथ एशिया में जो सिपेक का हिस्सा नहीं है, और जाहिर है वो वहाँ उसका इंटरेस्ट जो है वॉशिंगटन के साथ भी जुड़ता है और वो अपना असर रसूख अफगानिस्तान पे गलत तौर पर इस्तेमाल करता है। तो ये तो अफगानिस्तान को देखने की जरूरत है कि कौन से ममालिक से उसका इंटरेस्ट जुड़ता है और कौन सा मुल्क इस्तेमाल कर रहा है अपने मफाद के लिए। ठीक है, मैं बिल्कुल लास्ट आपका एक मिनट मजीद चाहूंगा, और वो इस हवाले से कि एज यू सेड के अगर वो अपने ट्रेड रिलेशंस अब अच्छे करते हैं तो हमें इससे कोई सरोकार नहीं, लेकिन बात सर ये है कि कोई जमीनी डायरेक्ट एक्सेस नहीं है अफगानिस्तान और इंडिया का आपस में, उसके बावजूद जो है सेकेंड लार्जेस्ट उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया की वो अफगानिस्तान के लिए, और हम दिहाइयों से 30 लाख अफगान मुहाजरीन जो हैं उनका बोझ यहाँ पे सह रहे हैं। तो जब बात आती मईशत की तो फिर वो डायरेक्ट वो दोनों ममालिक आपस में, ये ज्यादती नहीं है डॉक्टर साहब? देखिए, मेरी मैं आपसे गुजारिश करूँ कि ये तो हमारा नैरेटिव है ना, इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारा नैरेटिव इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्सेप्ट करती है या नहीं। तो इस वक्त हमारे यहाँ कहीं ये कमजोरी है कि ये जो हमारा नैरेटिव है, चाहे वो रेफ्यूजीज के हवाले से हो, चाहे वो वॉर ऑन टेरर के हवाले से हो, चाहे वो ट्रेड की राहदारियों के हवाले से हो, वेस्ट में एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन अब रशिया और चाइना और मैं समझती हूँ ईरान भी इस बात का इदराक कर रहा है कि जो खत्ते के नए हकायक हैं उसमें पाकिस्तान का इंतहाई मजबूत किरदार है। और मैं आपसे ये भी गुजारिश करूँ कि चाइना भी ये चाहता है कि इंडिया जो है वो सिपेक का भी हिस्सा बन जाए, क्योंकि जब आप कॉरिडोर फाल उसी वक्त होते हैं जब उनकी राहदारियां फाल उस वक्त होती हैं जब वो इस्तेमाल हो। और अगर आप चाइनीज से बात करें तो उनके बहुत सारे थिंक टैंक्स और ऑफिसर्स ये बात कहते हैं कि थोड़ी बहुत ये हंगामा आराई इंडिया कर रहा है, जब वो मोमेंटम देखेगा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का तो उसे ऑन बोर्ड आना पड़ेगा। ठीक है, सूनर और लेटर इंडिया को भी सीपैक को ज्वाइन करना होगा सूनर और लेटर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमा वकाई, अपना तजिया पेश कर रही थी और उनका कहना था कि क्वांटम अभी जो है जब सामने आएगा सीपैक के हवाले से, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से, तो हर तमाम ममालिक जो अपने अपने इंटरेस्ट में इससे जुड़ रहे हैं तो आगे चल के भारत को भी इसमें शामिल होना होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमा वकाई, अपना तजिया पेश कर रही थी। नाज़रीन, बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद भी प्रोग्राम को जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के हिस्से में इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया है जनरल मुइनुद्दीन हैदर रिटायर्ड के तजियाकार हैं और ज़ाहिर के साबिक गवर्नर सिंध भी रह चुके हैं। जनरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा अफगान भारत जो कुर्बतें हैं इस वक्त, जाहिर है कि वो अमेरिका की आशीर्वाद पे है, अमेरिका उसके पीछे खड़ा है और अमेरिका का इस वक्त भरपूर स्टांस है, भरपूर उसकी तकलीद है, उसकी कोशिश है कि भारत जो है वो अफगानिस्तान में मुआशी किरदार भी अदा करे। तो आप क्या समझते हैं ये इतना जो आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, इसके रोल को, इंडिया के रोल को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है अफगानिस्तान में, क्या ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है?
देखिए, आप साजिश कहें या कुछ भी कहें, असली बात समझने की ये है कि हिंदुस्तान और अमेरिका की एक जो है स्ट्रेटजिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है, और उन्होंने अपने इस खित्ते में चाहे कि उनको एक रीजनल लीडर बनाए और चाइना के ख़िलाफ़ उसकी पीठ ठोके, तो उनकी एक स्ट्रेटजिक अंडरस्टैंडिंग है। वो वहाँ पर उनको हथियार भी दे रहे हैं, उनके साथ तमाम पॉलिसियाँ इस इलाके में वो उनके साथ मिलकर चला रहे हैं। अफगानिस्तान में अमेरिका बैठा हुआ है, अमेरिका नेटो की फौजें 13 साल में कुछ भी ना कर सकें, अब क्यों बैठा हुआ है 16,000 आदमियों से, किस मकसद के लिए, कि चीन के ऊपर थोड़ा दबाव रहे, रूस पर दबाव रहे, सेंट्रल एशिया पर दबाव रहे, और वहाँ अफगानिस्तान में जो उसके इंटरेस्ट हैं वो सेफ गार्ड होते रहे। मतलब अमन तो लगता है वो चाहते नहीं हैं। और हिंदुस्तान अपना एक रोल इकोनॉमिक बहुत अदा कर रहा है वहाँ पर, और इस तरीके से अमेरिका के मकासद ही पूरे कर रहा है, और अपने सबसे ज़्यादा मकासद पूरे कर रहा है कि एक मगरबी महाज से पाकिस्तान पर हमलावर होना बलूचिस्तान के ऊपर और फाटा के ऊपर, और वहाँ से दहशतगर्द भेजना और पाकिस्तान के दहशतगर्दों को पैसे दे के इस्तेमाल करना, ये तमाम कार्रवाई वो वहाँ से बैठ के कर रहे हैं। सीपैक को भी सबोटाज करने के लिए ये भी उसकी कोशिश है वहाँ से। तो जनरल साहब, अमेरिका भारत को कायल नहीं कर सका कि वो अफगानिस्तान में अपनी फौज भेजे, तो ऐसे में पाकिस्तान को एलिमिनेट करके साइड में रख के और अफगानिस्तान में क़याम अमन की बात की जाए, अमेरिका करे और अब इंडिया को लेकर करे, ऐसे कैसे मुमकिन है? मेरे ख्याल से अगर हिंदुस्तान राजी हो जाता तो ये पाकिस्तान के बड़ा अच्छा था कि हिंदुस्तान की फौजें वहाँ जाती हैं, तालिबान उनके साथ सही तौर पर निपटते और उनको वहाँ पर एक दलदल में फंसा देते। लेकिन हिंदुस्तान ही बहुत चलाक है, उसने कहा मुझे फौजें लाने की क्या ज़रूरत है, मैं इन लोगों को पैसे दे के जो काम कराना होता है पाकिस्तान के खिलाफ या अफगानिस्तान में असर रसूख के लिए, मुझे वैसे हासिल हो रहा है। तो जाहिर है कि पाकिस्तान का एक अहम रोल है अफगानिस्तान में अमन के लिए, और वो पाकिस्तान तैयार है हर वक्त इस अमन को आगे बढ़ावा देने के लिए जो कुछ उससे हो सकता है। जनरल साहब, हम देख रहे हैं कि कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं है इस वक्त ट्रेड के हवाले से इंडिया और अफगानिस्तान का, इसके बावजूद भी इंडिया की जो सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड है, जो बरामदात है, एक्सपोर्ट्स हैं, वो अफगानिस्तान के लिए हैं, तो वो ट्रेड रिलेशन उनके साथ हैं, जबकि पिछली दिहाइयों से 30 लाख अफगान मुहाजरीन का, रेफ्यूजीज का बोझ जो है वो पाकिस्तान बर्दाश्त कर रहा है, ये कहाँ का इंसाफ है सर? या दूसरी बड़ी मंडी मतलब अफगानिस्तान के लिए होगी कि अफगानिस्तान के लिए, लेकिन उसने ज़मीनी रास्ता तलाश कर लिया है, और चाबहार की जो पोर्ट है ईरान में, उसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान कर रहा है, और उसने ईरान से अफगानिस्तान को मिलाने वाली सड़कें भी तामीर की हैं पिछले 8-10 सालों में, और सेंट्रल एशिया जाने के लिए उसने अपनी तरफ से एक मुतबादिल रास्ता जो है वो डेवलप किया है, ताकि ये सी पैक को या पाकिस्तान के थ्रू जो रास्ता गुजरता है अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया, उसकी अहमियत को कम किया जाए। लेकिन मेरे ख्याल में अहमियत कम नहीं होगी। बाकी ये है कि अफगानियों से ताल्लुकात हैं, इतने सालों के साथ वो पाकिस्तान से अफगानी करेंसी में ट्रेडिंग करते रहे, तो मेरे ख्याल में कुछ अरसे बाद ये हालात बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो सर, बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से बड़ी बात की जाती है, इसको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, कितना मौसर किया जा सकता है, क्या क्या इकदाम किए जाने चाहिए? बहुत सारे इकदाम हो रहे हैं आजकल। एक तो जो पोस्टों की तादाद है जिसमें फासला आपस में ज़्यादा था, वहाँ पर नई पोस्टें बनी हैं, और जो स्काउट्स की तादाद है जो वहाँ पर मैन करती हैं उनको बाकी जगह, वो उसको बढ़ाया जा रहा है, ज़्यादा विंग खड़े किए जा रहे हैं। और तीसरी सबसे अहम बात जो जिस पे अफगानिस्तान तैयार नहीं होता था, वो वहाँ पर बार्ड वायर जो है हम खारदार तार लगा रहे हैं, जिस तरह हिंदुस्तान ने हमारी बॉर्डर पर लगाई हुई है, तो वो भी शुरू है। और हम आपको पता है तोरखम पे और चमन पे बेटर कंट्रोल के लिए वहाँ पर जो बनाए गए हैं नए मेजर लिए गए हैं, और उसके बाद जिसको उन्होंने रेजिस्ट किया उसके ऊपर हमारे एक मेजर साहब भी शहीद हो गए थे। लेकिन बहरहाल हम इन इकदामात पर काम किए चले जा रहे हैं ताकि ये बॉर्डर हमारा सेफ हो जाए। तो सर, बलूचिस्तान में जो इस वक्त दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और फिर जब डांडे उसके मिल जाते हैं काबुल और नई दिल्ली से, उनका एक एक्सेस नज़र आता है, तो ऐसे में आप क्या समझते हैं कि हमें सिफारती सतह और इससे भी आगे बढ़ के क्या इकदाम करने चाहिए?
देखिए, सिफारती सतह पर हम ऑलरेडी कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे पास किसी मुल्क का वजीर आता है या इन मुल्कों के सफीर बैठे हैं वो भी रिपोर्टें भेजते हैं। हम मुख्तलिफ जगहों पर ये मसले को फॉरेन कैपिटल में उठा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन दुनिया जो है वो अपनी जो है उस पर चलती है पॉलिसी पर, वो जानते बूझते हुए भी कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बहुत बड़े एक्शन लिया है और बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, उनको तस्लीम नहीं करती। ये भी उनको मालूम है कुलभूषण क्यों पकड़ा गया था, वो यहाँ क्या कर रहा था। तो ये है, लेकिन हमें अपनी सी कोशिश करते रहना चाहिए। अभी इस सिलसिले में हमारे चेयरमैन ज़ुबैर हयात साहब ने बड़ा अच्छा बयान दिया था कि ज़्यादा आपने एक्टिविटी जारी रखी लाइन ऑफ कंट्रोल पर और बलूचिस्तान में जो डिस्टेबलाइजेशन की पॉलिसी है, तो पाकिस्तान किसी वक्त भी सबर का दामन छोड़ सकता है और फिर ये एक बड़ी जंग में, ख़तरनाक जंग में तब्दील हो सकती है ये पूरी सूरत हाल। तो जनरल साहब, आपके इल्म में होगा जिस तरह से जेनेवा में पाकिस्तान के खिलाफ एक इश्तिहारी मुहिम जारी है, यकीनन वो भी भारत के इमा पर है, वहां पे भी खबरें जो है वो दुनिया भर के सामने आई गई कि कहां से वो ऑपरेट हो रहा है सारा निज़ाम, तो आप क्या समझते हैं कि आलमी सतह पर इस मामले को पाकिस्तान किस तरह से टेकअप कर सकता है, क्या किया जा सकता है इस पर? सुना है भारत ने एक बहुत बड़ी रकम जो है वो मुख्तस कर रखी है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक्शन के लिए, पाकिस्तान के दुश्मनों को, तो चाहे वो लंदन में बैठे हों, चाहे स्विट्ज़रलैंड में बैठे हों, या बलूचिस्तान में बैठे हों, या सीपैक के ख़िलाफ़, वो बहुत पैसे दे रहा है। लेकिन बात ये हुई है कि इस वक्त जो है सूरत हाल बेहतर होनी शुरू हुई है। ये स्विट्ज़रलैंड के अंदर आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था कि एक बलोच लीडर को उन्होंने वहाँ आने से, जो वहाँ पर सियासी पनाह मांग रहा था, मना कर दिया उन्होंने। और उसने साथ ये भी कहा है स्विट्ज़रलैंड ने कि ये पाकिस्तान की हुकूमत की दरख्वास्त पर ऐसा किया गया है कि इन लोगों को वहाँ पनाह ना दें सियासी। और आपको पता है जो इश्तारी मुहिम लंदन की बसों पर चल रही थी कि बलूचिस्तान को आज़ाद करो, वो भी पाकिस्तान ने उनके सफीर से यहाँ कहा, वहाँ पर ख़त लिखा, तो कल से उन्होंने वो इश्तारात हटाने शुरू कर दिए और पाकिस्तान की बात सुन ली। तो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, तो अपनी कोशिशों को जारी रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल मोइनुद्दीन हैदर, रिटायर्ड, इस वक्त इस प्रोग्राम में अपना तज़िया पेश कर रहे थे। एक सर हासिल उनसे गुफ्तगू हुई, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद इसी मौजू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया है सरफराज भुट्टी साहब ने, आप सूबाई वज़ीर दाखला हैं बलूचिस्तान के। भुट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का। आपसे जानना चाहेंगे कि बलूचिस्तान में इस वक्त जो हालिया लहर है दहशतगर्दी की, तो इसमें कौन कौन से लोगों के मुलव्वस होने के सबूत आप लोगों को मिले हैं और उनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाइयाँ हुई और बिलखसूस ऑपरेशन रद्दुल फसाद में हमें कितनी कामयाबियाँ मिली हैं? देखें, बलूचिस्तान का आज से ना देखें आप, बलूचिस्तान में जब से ये अनरेस्ट है, चाहे वो मज़हब के नाम पर जो दहशतगर्दी है वो हो, चाहे ये जो सो कॉल्ड कॉम्परस्ती के नाम पर जो दहशतगर्दी है वो हो, दोनों सूरतों में यहाँ पर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि रॉ फंडेड लश्कर हैं। और इससे बढ़कर और क्या सबूत है कि एक सर्विंग रॉ का ऑफिसर जो है कर्नल, वो यहाँ से पकड़ा गया है और वो सेबोटाज एक्टिविटीज़ जो जो उसने की हैं वो उसको कन्फेस कर रहा है। तो जहाँ तक कार्रवाइयों की बात है, हमारे यहाँ हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करते हैं, बहुत सारे कैंप्स हैं मिस्क्रिएंट्स के जो हमने डिसमेंटल किए हैं, बहुत सारे ऐसे दहशतगर्द हैं जो मारे गए हैं हमारे डिफरेंट ऑपरेशंस में। तो मैं समझता हूँ कि इन ये जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है इनके पीछे रॉ और NDS, अफगानिस्तान की ज़मीन भी और अफगानिस्तान की स्टेट भी उनको पैटर्नेज दे रही है और हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। सरफराज भुट्टी साहब, बलूचिस्तान में इस वक्त जो सरगर्म कलदम अलहदगी पसंद तंजीमें हैं और उनका जो नेक्सस है भारत के साथ, नई दिल्ली के साथ, काबुल के साथ, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि आए दिन खबरें आती हैं कि काफ़ी जो फरारी कैंप्स के जो लोग हैं, जो फरारी लीडर्स हैं, वो सरेंडर कर रहे हैं और न सिर्फ सरेंडर कर रहे हैं बल्कि कौमी धारे में भी शामिल हो रहे हैं। ये यहाँ पर जो हमारी काविशें हैं, आप लोगों की काविशें, हुकूमत की अस्करी हमारी जो इदारे हैं वो रंग ला रही हैं, तो ये बताइए उसमें हम किस हद तक कामयाब हुए हैं और जो लोग कौमी धारे में शामिल हुए हैं उनकी उनकी सोच कैसे बदली, किस तरह से बदली? देखिए, अगर इस कामयाबी को आप देखें तो हमने इनको शहरों से कस्बों में धकेला है, कस्बों से इनको गांव में धकेला है और फिर वहां से पहाड़ों पर भेजा है।
और फिर पहाड़ों से वापस हम उनको मेन स्ट्रीम में लेकर आए हैं। और ये जो सेकंड टियर लीडरशिप है, ये हमारे डायलॉग की वजह से, गवर्नमेंट की, स्टेट ऑफ पाकिस्तान की डायलॉग की वजह से दे आर कमिंग बैक। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें है वो इस रियलाइजेशन के साथ वापस आ रहे हैं कि जो जो इनके सो कॉल्ड गॉड फादर्स हैं, जिसमें ब्राहिमदक है, हैरब्यार है, जामरान है या जावेद मेंगल है, ये सारे बड़ी लग्जरियस लाइफ गुजार रहे हैं। अब तो अल्लाह नज़र भी अफगानिस्तान चला गया है और वहाँ पे जिनके सेफ हाउसेज में रह रहा है वहाँ पर बड़ी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है और अपने बेटे उसके फ्रांस में पढ़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो जो बलोच, जो कॉमन बलोच है, उसने ये रियलाइज़ कर लिया है और अब वो मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, हम उसको वेलकम भी कर रहे हैं, बावजूद इसके कि ये बड़ा एक सेंसिटिव इशू है कि उनके हाथ हमारे खून से रंगे हुए हैं, लेकिन हम उनको फिर भी माफ़ कर रहे हैं, उनको मेन स्ट्रीम में वेलकम भी कर रहे हैं और उनकी रिहेबिलिटेशन का बंदोबस्त भी कर रहे हैं। तो बुक्टी साहब, बात की जाती है बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से, आप क्या समझते हैं किस तरीके से बॉर्डर मैनेजमेंट को बेहतर किया जा सकता है, इसमें इश्यूज क्या हैं और क्या इकदाम अब तक लिए गए हैं? देखिए, दहशतगर्दी से लड़ना सिर्फ यूज़ ऑफ फोर्स नहीं है, सिर्फ आईबीओज नहीं है, उसके मल्टीपल डायरेक्शंस होते हैं, मल्टीपल प्रॉन्ग्स होते हैं और उन सब पे मिल के काम करना होता है। आपको पता है कि हमारे यहाँ बड़ी पोरस बॉर्डर्स हैं और उन पोरस बॉर्डर्स में जो फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान है, बड़ी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ उन बॉर्डर्स को ना सिर्फ कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है बल्कि उनको बेहतर मैनेज करने की कोशिश कर रही है। फिर आपको पता है कि जो हमारा अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है उसमें चंद एक पोलिटिकल इशूज़ भी मौजूद हैं और जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं अफगान स्टेट को, उससे भी इशू होता है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी डाइसी हैं, बड़ी ट्रिकी है, इनको अंडरस्टैंड करने के लिए पूरे सेशंस चाहिए, ये प्रोग्राम बहुत छोटा है। तो जनाब, ये बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से जब हम बात करते हैं, एक नेक्सस की बात करते हैं और ये नेक्सस यकीनी तौर से नई दिल्ली और काबुल का है, तो ये बताइए बहैसियत वजीर दाखिला, सूबाई वजीर दाखिला, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है अब तक कि हमारी जड़ों में कहाँ तक ये लोग पहुँचे हुए थे, कहाँ तक इन्होंने पहुँच के और हमें ख़त्म करने की कोशिश की थी और अब प्रेजेंट क्या स्टेटस है, इनको हमने किस तरीके से इनको हमने ख़त्म करना शुरू किया और कहाँ तक हम कामयाब हुए हैं? देखें, सोसाइटी में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बहुत कम परसेंटेज है उनकी जिन्होंने पेनिट्रेट किया हुआ है, बट क्योंकि उनका जो टारगेट है वो सॉफ्ट है और ये अपॉर्चुनिटी हमेशा से उनके पास है कि उन्होंने टारगेट सेलेक्ट करना है, उन्होंने वेन्यू सेलेक्ट करना है, स्टेट के इदारों ने या रियासत ने एक एक इंच को प्रोटेक्ट करना है जबकि उन्होंने किसी एक इंच पे अटैक करना है। सोसाइटी सारी आज अल्हम्दुलिल्लाह दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ खड़ी है, वो दहशतगर्दी की ना सिर्फ मुज़म्मत करती है, ना सिर्फ कुर्बानियाँ देती है, बल्कि सत के दिल से ये समझते हैं कि इस मर्ज को जड़ से उखाड़ देना है पाकिस्तान में और उसके लिए सब कलेक्टिव एफर्ट से, कलेक्टिव विजडम से ये मुमकिन है। बहुत शुक्रिया सूबाई वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान सरफराज बुक्टी साहब, इस वक्त प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद इसी मौजू को एक और शख्सियत के साथ हम डिस्कस करेंगे, उनका तज़िया लेंगे, उनकी राय लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार और अफगान उमूर के माहिर रुस्तम खान मोहम्मद साहब ने। रुस्तम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का। ये इस वक्त भारत के किरदार को आगे बढ़ाने की जो अमेरिका कोशिश कर रहा है अफगानिस्तान में, क्या और स्पेशली मुआशी किरदार की बात कर रहा है कि आप जाके वहाँ पर मुआशी किरदार, अपना जो इकनॉमिक रोल है उसको ज़्यादा बढ़ाइए, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश नहीं है? देखिए, भारत अफगानिस्तान में फ़ौज नहीं भेजेगा, उसकी बहुत सी वजूहात हैं और अफगान हुकूमत भी ये नहीं चाहती कि भारत की फ़ौज वहाँ आए और पाकिस्तान के साथ जो महाजराई है या जो इस वक्त पेचीदा सूरतहाल है वो मज़ीद ख़राब हो जाए, वो मज़ीद अबतर हो जाए। लिहाजा भारत और अफगानिस्तान ने यह फैसला किया है कि इकोनॉमिक स्फेयर में जितना भी हो सके भारत मदद करेगा, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेगा, स्कॉलरशिप्स भी देगा, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करेगा, रोड्स बनाएगा, डैम बनाएगा और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में वो इन्वेस्ट करेगा, जो काबुल की जो बिजली है वो फराहम करेगा। तो बहुत $2 बिलियन की उनकी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, बल्कि अब $2 बिलियन से ज़्यादा हो गई है। ये जो रेड लाइन है ये फ़ौज भेजने वाली बात है, फ़ौज की न वहाँ पर ज़रूरत है, अफगानिस्तान में भारतीय फ़ौज की मौजूदगी की कोई ज़रूरत नहीं है
और ये गलत तासुर है कि अमेरिका चाहता है कि भारत वहाँ पे फौज भेजे। अमेरिका को इस मसले की सेंसिटिविटी का एहसास है, लिहाजा मैं नहीं समझता कि अमेरिका भारत पे जोर डालेगा कि वो वहाँ फौज भेजे, जिससे कि मामलात और पेचीदा हो सकते हैं। जी, हम देखते हैं कि इस वक्त भारतीय एक्सपोर्ट्स की दूसरी बड़ी मंदी जो है वो अफगानिस्तान है। उनके ट्रेड रिलेशंस जो है वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के हैं, जबकि दिहाइयों से 30 लाख अफगान मुहाजरीन का बोझ जो है वो हमारी मईशत उठा रही है, तो ये नाइंसाफ़ी नहीं है पाकिस्तान के साथ। इसलिए कि पाकिस्तान ने अपना जो अपनी जो ज़मीन है, अपनी जो टेरिटरी है, उसको ट्रांजिट ट्रेड करने के लिए अलाउ नहीं की, उनको इजाज़त नहीं दी। भारत ने भी रिक्वेस्ट की, अफगानिस्तान ने भी दरख्वास्त की कि हमें पाकिस्तान के रास्ते एक दूसरे से तजारत करने की इजाज़त दी जाए, जिसमें पाकिस्तान का भी वो था, फ़ायदा था, और अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की गुडविल में इजाफा होना था। लेकिन पाकिस्तान ने ये चूँकि दरवाज़ा बंद कर दिया, उसका नतीजा निकला चौबहार और जो वहाँ पे ईरानियन पोर्ट है चौबहार, वहाँ पे भारत की तजारत अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के रास्ते होने लगी है, जिससे कि पाकिस्तान को भी धचका लगा है। पाकिस्तान की अपनी तजारत भी कम हो गई है भारत अफगानिस्तान के साथ, और अफगानिस्तान की तजारत जो अब भारत के साथ है उसमें रोज़ बरोज़ अब इजाफा होता रहा है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि कुछ गलती हमारी अपनी हुकूमत की थी कि अगर ट्रांजिट ट्रेड की इजाज़त दी जाती तो फिर हो सकता है कि भारत भी डिपेंड करता पाकिस्तान पे, अफगानिस्तान भी डिपेंड करता, पाकिस्तान को फ़ायदा भी पहुंचता। लेकिन चूंकि वो न हो सका, इसलिए अब ईरान, भारत और अफगानिस्तान एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, उन्होंने मुतबादल रास्ते तलाश कर लिए हैं और वो मुतबादल रास्ते बहुत फाल हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तजारत $2.5 बिलियन से कम होके $1 बिलियन तक आ गई है। रुसन साहब, कहा जाता है कि अफगानिस्तान के एक बड़े हिस्से पे वहां की हुकूमत का कंट्रोल नहीं है, वहां की हुकूमत की रिट नहीं है, तो पाकिस्तान बात करे तो किससे करे, क्योंकि जो जो जहां पे हुकूमत की रिट है वो जेरे असर हैं भारत के, जेरे असर हैं अमरीका के, तो हम किससे बात करें, हम अपनी बात किसको जाके समझाएं। देखिए, पाकिस्तान बात करने की बात नहीं है कि पाकिस्तान किससे बात करे, पाकिस्तान का ये मिशन होना चाहिए, पाकिस्तान का ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि अफगानिस्तान में अमन कायम हो, और उसके लिए तालिबान और अफगान हुकूमत और अमेरिका के दरमियान तीन तरफा जो है एक से तरफा मुज़ाकरात का आगाज़ कर दिया जाए, जिसमें पाकिस्तान एक फ़ाल किरदार अदा कर सकता है। लेकिन दो वजूहात की बिना पर पाकिस्तान अपना किरदार नहीं अदा कर रहा। एक ये कि पाकिस्तानी हुकूमत की ये पॉलिसी रही है कि हिंदुस्तान के रोल को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, जिस पे कि अफगान बहुत नाराज़ होते हैं, और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ये समझता है कि बायलेटरल रिलेशन से, दौरों से, अच्छी अच्छी तकरीरें करने से और हुकूमतें अगर एक दूसरे के करीब आ जाएँ तो इससे मसले हल हो जाएंगे। हुकूमतें, दोनों हुकूमतें अगर करीब भी आ जाएँ और दौरे भी होते रहें, करजई साहब ने कितने दौरे किए, 2 दर्जन दौरे किए, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला, इसलिए कि वहाँ पे इंसर्जेंसी है। अब इंसर्जेंसी को कैसे किया, इंसर्जेंसी की वजह क्या है, इंसर्जेंसी की वजह वहाँ पे गैर मुल्की फौजों की मौजूदगी है। अब गैर मुल्की फौजें वहाँ एकदम तो वहाँ उन्होंने जाना नहीं है, अब ऐसे हालात पैदा किए जाएँ, ऐसा फार्मूला तलाश किया जाए, ऐसा रोड मैप वजह किया जाए कि जिससे गैर मुल्की फौजें अफगानिस्तान से एक मुयना वक्त के अंदर निकल जाएँ। अगर ये फौजें वहाँ से निकलती हैं और वहाँ पे दीर पर अमन कायम होता है तो फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात का जो पोटेंशियल है वो हासिल होगा। उसके लिए पाकिस्तान कोई खास कोशिश नहीं कर रहा। सर आपको पता होगा कि $9 करोड़ की मालियत से अफगान पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का इफ्तिताह भारतीय वजीर आजम मोदी साहब करते हैं और उनके साथ अशरफ गनी जो सदर है वो भी मौजूद हैं। तो एक ऐसी पार्लियामेंट जिसका इफ्तिताही भारत सरकार जो है वो करे, फंड्स भारत दे, उनका वजीर आजम जो है उस पार्लियामेंट का इफ्तिताह करे, तो ऐसी पार्लियामेंट से हम पाकिस्तान क्या खैर की तवक्का कर सकता है, क्या हम खैर की पॉलिसीज की तवक्का कर सकते हैं? सर नहीं, देखिए ये बात गलत है। हिंदुस्तान बहुत से प्रोजेक्ट्स में और बहुत से
वहाँ पे मनसूबे में इन्वेस्ट कर रहा है, जिसमें एक पार्लियामेंट की बिल्डिंग भी थी, पार्लियामेंट की, और ये अफगान हुकूमत की इजाज़त से, उनकी कंसल्टेशन से हो रहा है। अफगान हुकूमत ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप अगर हमारे लिए पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाएं, उन्होंने पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई। अब पार्लियामेंट बिल्डिंग, पार्लियामेंट जो है वहाँ क्या किरदार अदा कर सकती है, अब ये तो अफगान हुकूमत और अफगान आवाम का काम है, इसमें भारत का कोई काम नहीं है। लेकिन जब तक, जैसे मैंने कहा कि जब तक वहाँ पर इंसर्जेंसी रहेगी, जब तक वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात का जो पोटेंशियल है वो हासिल नहीं हो सकेगा। और जब तक बदमनी वहाँ पे रहेगी, कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे रहेगा, तो तुर्कमानिस्तान गैस पाइपलाइन भी ख़तरे में पड़ेगा, जो ताजिकिस्तान से बिजली आने वाली है कासा 1000 वो भी ख़तरे में होगा, जो सी पैक का जो बड़ा मनसूबा है वो भी ख़तरे में होगा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि बजाय इसके कि हम ये कहें कि पार्लियामेंट से क्या खैर की तवक्को हो सकती है या नहीं हो सकती, हमें जो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करने में अपनी सारी एनर्जी, अपने सारे वसाइल उसमें इस्तेमाल करने चाहिए, ताकि हमारा जो हमारा हदफ है वो हासिल हो जाए। और उसके लिए जो हमें रियलिस्टिक पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए, सिर्फ ये कि भारत के रोल को बुनियाद बना के एतराज़ पे एतराज़ करते रहना, इससे मैं समझता हूँ कि मसले का कोई हल निकलने वाला नहीं है। तो बॉर्डर मैनेजमेंट की बार बार बात की जाती है कि उसको, उसके लिए बहुत सारा काम किया जाना है, तो वो क्या काम है जो किया जाना है, किस तरीके से हम बॉर्डर मैनेजमेंट को बेहतर कर सकते हैं जनाब? बॉर्डर मैनेजमेंट से, जो बॉर्डर मैनेजमेंट का तस्वीर इस वक्त है कि बॉर्डर को सील किया जाए, इससे लोगों को बड़ी तकलीफ होगी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुक हैं उसमें मजीद अबतरी आएगी, होस्टिलिटी बढ़ेगी, एक्रिमनी, एंगर और गुस्सा और नफरत बहुत बढ़ जाएगा पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और मैं समझता हूँ कि फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात ऐसे नहज पर पहुँच जाएंगे कि उनको फिर रिहेबिलिटेट करना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा 2400 किलोमीटर बॉर्डर को सील करना और फिर उसको, उस फेंसिंग को मेनटेन करना, इस पर अरबों रुपये लगेंगे, इस पे अरबों रुपए खर्च आएगा और उसको मेंटेन करने पर भी अरबों रुपए खर्च आएगा। लिहाजा ये मनसूबा जो है ये सही नहीं है। जो दो दहशतगर्द हैं वो तो किसी रास्ते से भी किसी वक्त भी आ सकते हैं, लेकिन आम लोगों के लिए, जो लोग इलाज के लिए आते हैं, जो लोग यहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए आते हैं, जो तजारत के लिए आते हैं, जो अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए आते हैं, उन पर ये बॉर्डर बंद करना, सील करना, मैं समझता हूँ कि ये दानिशमंदी का वो तकाजा नहीं है। इस पॉलिसी को और ये प्रेस करना चाहिए। अच्छा, आप जाहिर है कि आपने भी देखा होगा कि हालिया दिनों में जेनेवा में पाकिस्तान के खिलाफ जो इश्तिहारी मुहिम जारी है अलहदगी पसंदों की जानिब से, और जाहिर है कि बैकिंग उनको इंडिया की है, तो पाकिस्तान सिफारती सतह पे और दीगर किन फोरम्स के ऊपर इस मामले को उठा सकता है? जाहिर है कि तशहीर फिर हमने भी करनी है कि हमारे यहाँ क्या ज्यादतियाँ हो रही हैं, किस तरीके से ये नेक्सस जो है वो पाकिस्तान में बदमनी फैला रहा है। हुकूमत पाकिस्तान को वहाँ जो बलोच लोगों में जो वहाँ पे जो पाकिस्तान के खिलाफ जो जज्बात हैं उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, उनके साथ पॉलिटिकली एंगेज करना चाहिए। जो जहाँ पे प्रॉब्लम होगा दुश्मन वहाँ पे हाथ डालेगा। अगर आप प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लें, बलोचों को अपने हकूक दे दें, उनको हुकूमत में शामिल कर लें, उनको सिस्टम्स में शामिल कर लें, उनका जो एहसासी महरूमी है उसको ख़त्म कर लें, तो फिर भारत के लिए मैं समझता हूँ कि वहाँ पे कोई ऐसे मददगार नहीं होंगे जिनको बुनियाद बना के वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई तकरीब कर सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रुस्तम खान मेहमान साहब, आप प्रोग्राम में शरीक रहे और आपकी, आपके तजिये से हम मुस्तफीद हुए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की कि किस तरीके से ये जो नेक्सस है नई दिल्ली और काबुल का, ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहा है। कुलभूषण जाधव जो कि बाकायदा उसने एडमिट किया, उसने एतराफ़ किया कि वो सबोटाज करने आया था सी पैक को, और सी पैक जो है इस वक्त न सिर्फ इस खत्ते के लिए एक बड़ा गेम चेंजर होगा बल्कि पाकिस्तान के लिए एक फेट चेंजर होगा, और भारत की पूरी पूरी कोशिश है कि वो इसको इस मंसूबे को ना बनने दे। बल्कि उसके बाद हमारी और जो लोगों से बात हुई तो एक कंसेंसस यही इस वक्त सामने भी आ रहा है कि जितना ये रोड़े अटकाले इंडिया सी पैक के ख़िलाफ़, लेकिन जब इसके इकोनॉमिक फ़ायदे सामने आएंगे और जिस तरीके से लोग दीगर ममालिक इसके साथ जुड़ रहे हैं, तो सूनर और लेटर भारत को भी, इंडिया को भी अपने इकोनॉमिक जो जो उनके इंटरेस्ट हैं उनको सामने रख
हुए इस मौशी मंसूबे से जुड़ना होगा और यकीनन इस मंसूबे की तकमील के लिए लॉ एंड ऑर्डर जो है अमन अमान की जो यकीनी बनाना है वो अव्वलीन तरजीह है और हुकूमत पाकिस्तान न सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत इस तमाम मामले पर सेम पेज पर है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।